तो लीडरशिप इज एन आर्ट, आर्ट ऑफ क्रिएटिंग फॉलोअर, और वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, जरूरी नहीं कि बिजनेस के फील्ड में बिजनेसमैन आपको फॉलो करें, लेकिन अगर आपके एम्प्लॉय आपको फॉलो करते हैं तो आप एक बिजनेस के बड़े लीडर और बिजनेस के टाइकून बन सकते हैं। स्पीकर के रूप में जब आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे और धीरे 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 एज अ स्पीकर आपकी इमेज बिल्ड होने लग जाएगी। और उसी के ठीक साथ में जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मासेस तक आपकी ट्रेनिंग, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी वैल्यू हम ट्रांसफर करेंगे लोगों तक। सोचना ना पड़े कि क्या बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम बोलते बोलते ना हम समझ ही नहीं पाते कि बोलना क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें सोचना पड़ता है कि इससे बोलूं क्या। वो आपसे मिलेगा एज ए फ्रेंड तो आपको बोलना क्या है, वो आपसे मिलेगा एज ए फॉर्मल तो बोलना क्या है, लेकिन जिस इंडस्ट्री में आप काम करेंगे वहां पर आपसे बहुत नीचे आपके इक्विवेलेंट और आपसे बहुत ऊपर के लोग भी आपसे मिलने आएंगे, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि उनके साथ लीडरशिप किस तरह से हमें डील करनी है और किस तरह से उनको समझ में आए कि मैं एक लीडर से बात कर रहा हूं। तो बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है, कोई पूछे तुमसे क्या करते हो तो क्या जवाब देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि कोई पूछता आप करते क्या है तो आप कथा लेके शुरू हो जाते हैं अपने बिजनेस की, अपने प्रोफाइल की, अपने बारे में। राइट तरीका क्या है कि उसको बताना कैसे कि आप करते क्या है और उसको कैसे ऐसा इंटरेस्ट पैदा करें कि वो आपकी बात को ध्यान से सुने। नेक्स्ट, ऐसा क्या करें कि आपके पास हमेशा बोलने के लिए इंटरेस्टिंग शब्द हो। इंपॉर्टेंट वो नहीं है आप अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट वो है सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में क्या जानना चाहता है और वो कौन से वर्ड्स हैं जिसकी वजह से आप किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। और एक ही प्रोफाइल में एक व्यक्ति किसी भी प्रोफाइल के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। फाइन, एक ग्रेजुएशन का बच्चा है और मैं बिजनेसमैन हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में चलाता हूँ, तो इसको मैं क्या बताऊँ ताकि ये प्रभावित और मेरी बात को समझे मैं हूँ कौन, या उसके मेमोरी में वो फीड हो जाए कि ये व्यक्ति काम क्या करता है। नेक्स्ट, बात करने का अगर मन ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एज ए लीडर अगर आपने इस स्किल को नहीं सीखा तो आपके फॉलोअर्स तो बढ़ेंगे लेकिन टूटते चले जाएंगे साथ साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना कि आपका जब बात करने का मन ना हो तो आप क्या बात करें और कैसे बात करें या उसकी बात को कैसे क्लोज करें। लाइक टू नो यस और नो? ग्रेट। एंड द नेक्स्ट दैट इज, अगर आप किसी भी व्यक्ति को थैंक्स करते हैं तो थैंक्स कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके द्वारा दिए हुए धन्यवाद को वो अच्छी तरह से याद रखे, अपनी मेमोरी में स्टोर कर ले और आपके लिए उसके मन में एक रिगार्ड और रिस्पेक्ट पैदा हो और वो इतना और ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर दे। दुनिया में ना सफलतम लोग वो हैं, क्या होता है सफलतम लोगों का एक स्टेटस होता है, वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों का, वो अपने से ऊपर वाले लोगों तक पहुँच नहीं पाते। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि कई बार लोग जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो उसके बाद उन पर कांटा मार देते हैं कि नहीं यार ये बढ़िया बंदा नहीं है। संत लोग उन्हें कहा जाता है कि जिनसे जितनी बार मिले उतनी बार और मिलने की इच्छा पैदा हो। संत लोग कौन होते हैं कि जिनसे जितनी बार मिले और हर बार और मिलने की इच्छा पैदा हो। तो ऐसा हम करें क्या, धन्यवाद कैसे करें कि लोग आपको पसंद करें और अगर पसंद करते हैं तो और ज़्यादा पसंद करें और आपकी हर बात को फॉलो करना शुरू करें। इस टेक्निक को हम सुनेंगे, वो कौन सा तरीका है कि वो समझे कि आप उनके लिए सबसे खास व्यक्ति हैं। क्या ये 6 सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं? यस और नो? ग्रेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सोचना ना पड़े क्या बोलना है, इसका चयन हम कैसे करें। इसके लिए एक टेक्निक है एंड दैट इज यू टेक्निक, दैट इज यू टेक्निक। अब यू टेक्निक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए, तो बात करते हैं दैट इज यू टेक्निक। और यू टेक्निक क्या बताती है पता है? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, किसी से भी एक बात पूछता हूं, आप मुझे बताना, इनकी छोड़ दीजिए, मतलब जिससे पूछ रहा हूं उनके बारे में छोड़ दीजिए, आप बताना आपको दोनों में से कौन सी बात अच्छी लगी। सर एक बात खड़े हो जाएं, ये शर्ट बहुत अच्छी है। नंबर वन, मैंने क्या बोला? ये शर्ट बहुत अच्छी है। और अब मैं कहता हूं यू टेक्निक, एंड यू टेक्निक ऑलवेज सेज कि मुझे जिस व्यक्ति को प्रभावित करना है, मुझे शर्ट को प्रभावित करना है। ये सजीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु है? ये निर्जीव वस्तु है। हम निर्जीव वस्तुओं को प्रभावित करने में लगे रहते हैं। प्रभावित किसे करना है? सजीव वस्तु को, सजीव व्यक्ति को। फाइन, अगर मैं यही बात बदल के कहता हूं कि भाई साहब ये शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है,
तो दोनों बातों में से आप कौन सी बात सुनना पसंद करोगे? डेफिनेटली सेकंड वन। तो इसका मतलब हर व्यक्ति अपने आप को इंपॉर्टेंस देना चाहता है। अगर आपने सेम बात सेम तरीके से बोल दी तो आपकी छवि कह रहे अच्छा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर और दिल खुश हो गया। मतलब कैसे हो? बहुत अच्छे हैं पर आपसे मिलकर और खुशी हुई। अब दूसरे से मिले और वो साथ खड़ा हुआ है तो आपने कहा आपसे कैसे, आपसे मिलकर कैसा लगा? कहते बहुत अच्छा लगा और आपसे मिलकर और खुश हो गए। तो एक ही डायलॉग मार दो सब जगह, फाइन। तो आपको ये देखना है कि किस तरह से वर्ड्स का सिलेक्शन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोफाइल विद एग्जाम्पल और क्रिएट हर और हिज इंटरेस्ट, और वो तब संभव होगा जब आप उस तरह के व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से बताएंगे आप काम क्या करते हैं। इज दैट फाइन? इज दैट क्लियर? तो एज ए लीडर जब आप अपने साथियों से मिले, अपने लोगों से मिले, तो एक बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट ना रखेंगे ऐसी बात करनी है। आपका प्रभाव, आपके शब्द ऐसे होने चाहिए जैसे मैं उदित से मिलता हूं तो मेरे पूरे कम्युनिकेशन में एक यूथ को कैसे इंस्पायर करना है उस रिलेटेड बात होती है। लेकिन अगर मैं बिजनेसमैन से मिलता हूं तो मैं बिजनेस के बारे में बात करता हूं, लेकिन अगर मैं एक ट्रेनर से मिलता हूं तो हम ट्रेनिंग के टॉपिक पर बात करते हैं, फाइन। तो इंटरेस्ट के हिसाब से आपको बात करनी है कि कौन व्यक्ति क्या करे। ऐसा क्या करें कि आपके पास हमेशा बोलने के लिए इंटरेस्टिंग शब्द हो। अब इसमें एक टेक्निक है, दैट इज तोता। सुना है मेरा नाम तोता? तोता का, तोते की एक सबसे बढ़िया खासियत क्या होती है तोते की? वो वर्ड टू वर्ड रिपीट करता है। लेकिन अगर आप राइट टेक्निक देखें ना तो तोता लास्ट के तीन या चार वर्ड रिपीट करता है। तोता आप बहुत लंबी लाइन बोलो एक पूरी, वो लास्ट के तीन या चार वर्ड पकड़ता है, उसको रिपीट करता है। और अगर आप किसी भी व्यक्ति का इंटरेस्ट एज अ ट्रेड, अब देखिए एक बात और है, आप वो आपके बारे में बहुत कुछ जानता है, क्यों? क्योंकि आपको फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल एज ए ट्रेनर उसने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी तो मुझे वो पता है क्या क्या टॉपिक पर ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन मैं उसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा नहीं जानता, अगर वो फर्स्ट टाइम मिला तो कुछ भी नहीं जानता। अब मैं उससे बातचीत करूं तो कैसे करूं? उसके वर्ड्स कैच करो और उन वर्ड को रिपीट करो विद अ गुड फॉर्म ऑफ फेस इंप्रेशन, फाइन। आपका क्या शुभ नाम है? वंश। क्या करते हैं आप? फर्स्ट ईयर बीबीए। जब आपने बोला फर्स्ट ईयर बीबीए तो ये खुश हो गए, अरे वाह मैं तो बीबीए कर रहा हूं। अच्छा कौन से कॉलेज से? आईआईटीएम जनकपुरी से, है ना। जब आप ऐसे बात करोगे ना मतलब आप, अब आपको कुछ नहीं पता इनके बारे में और सब कुछ जानना है, तो बहुत उत्साह के साथ उसके लास्ट तीन चार वर्ड्स को पकड़ के रखो हमेशा। ये टेक्निक ऑफ ट्रेनर्स है, ये टेक्निक ऑफ लीडर्स है। बीजेपी के एमएलए के यहां गए, कहते जी आपके आपकी विधानसभा का आपको वोट दिया था। अच्छा अच्छा मुझे वोट दिया था। क्या करता है? वर्ड्स को रिपीट करता है। उसे क्या पता ये आदमी कहां रहता है। तो मेरा कहने का मतलब जो लीडर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, हर व्यक्ति के लास्ट शब्दों को रिपीट करते हैं, फाइन। और एक और बात, लीडर्स की जो स्क्रिप्ट है ना मैक्सिमम सेम होती है। अभी एक प्रॉब्लम है, जब बिजनेस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो अपने ही बिजनेस के बारे में इतना सोच के बोल रहे हैं, ये फिर हम ये भी करते हैं। तो लिख लो यार एक स्क्रिप्ट लिखो, फर्स्ट क्लास वन टाइम डिलीवरी, धड़ाक से एकदम सीधी सभी जगह। आपके प्रभावशाली शब्द जो होते हैं ना वो चुनिंदा होते हैं और उस पर आप कंठस्थ होते हैं। पंडित जी बोलते हैं ना श्लोक जैसे, उन्होंने वही श्लोक मारा सेम, फाइन। नेक्स्ट दैट इज गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट करंट अफेयर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बात करने के लिए शब्द नहीं है नए व्यक्ति से तो आप बात कैसे करेंगे? उसने आपने एक दो बात बोली, आपने कहा अच्छा। और बहुत बार मीटिंग्स में देखा है अच्छे लीडर वो होते हैं जो बात कर रहे हैं तो बात करते हैं, वो नहीं होते अब वो चुप हो गए, अब वो मुंह देख रहा उनका, अब वो मुंह देख रहे हैं अब क्या बोले वो और क्या बोले वो, फिर धीरे से वो साइड हो जाता है फिर वो भी साइड हो जाता है। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बातें इस पर हमें ध्यान देना है। क्लियर? करंट अफेयर्स में कुछ भी हो सकता है, अभी यूथ है क्रिकेट के बारे में बात कर सकते हैं, हर व्यक्ति के इंटरेस्ट के हिसाब से। अब लेडी है, क्या पूछोगे आप? क्रिकेट में कितने रन हो गए? अरे आजकल बड़ा फेमस प्रोग्राम आ रहा है टीवी पर, देखो ना सुनो सर एक मिनट प्लीज, टीवी पर एक बड़ा बहुत आजकल मैम बड़ा फेमस है वो। अब आपको कुछ नहीं पता टीवी लेडीज के प्रोग्राम के बारे में भी नहीं पता, कोई जरूरत नहीं है पता करने की। मुझे पूछो आजकल बड़ा फेमस प्रोग्राम आ रहा है, वो अपने आप बता देगी कौन सा आ रहा है। तो कैसे कौन सा प्रोग्राम बताएंगी वो? अभी तो पटियाला वेव चल रहा है बढ़िया, डेली डार्लिंग। अच्छा डेली डार्लिंग,
कौन कौन है उसमें, अब वो बताएगी किसको फॉलो करती है। अच्छा, मतलब जब आप अच्छा किसी को बोलते हो उसमें जिज्ञासा पैदा करते हैं, तो वो कहता और बता दूं, यस और नो, भाभी जी घर पे है। अब एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाँ जी, धन्यवाद कैसे करें, हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं, उसने किसी ने तारीफ की तो आप क्या बोलेंगे, आपके सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, ये सूट आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, ये सूट आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, थैंक यू। अब मैंने थैंक यू कह के बात खत्म कर दी। अगर आप किसी को धन्यवाद कर रहे हैं ना, तो थैंक्स के साथ आपने धन्यवाद क्यों किया है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। अगर किसी ने कोई काम किया है तो काम के बाद थैंक्स नहीं बोल देना खाली, उस टेक्निक का इस्तेमाल करना है कि उसको कोरिलेट करना है किसी भी उसकी इमोशन के साथ में, और उस थैंक्स की लाइन को एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने। अगर आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो यू आर अ गुड लीडर। इज दैट क्लियर? सो गो टू द नेक्स्ट। वो कौन सा तरीका है कि वो ये समझे कि आप उनके लिए सबसे खास व्यक्ति हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यदि सामने वाले व्यक्ति को आप हमेशा उसके नाम से बुलाते हैं तो उसको लगता है कि यार ये मेरे को अच्छे से जानते हैं। नंबर वन, देयर मस्ट बी अ पर्सनल टच, जहां पर कम्युनिकेशन में आपका गैप ज्यादा ना हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, साथ ही साथ जब आप किसी भी खास व्यक्ति से मिलते हैं या सामने वाले व्यक्ति से मिलते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं हम। अब हमने एज अ फॉर्मल जब मिलने की बात की थी, कोई भी एक आप आ जाए सर, देखिए क्या होता है, अगर आप अभी देखिए क्या है, फॉर्मल मीटिंग, इनफॉर्मल मीटिंग, फ्रेंड सर्कल मीटिंग, वो एक डिफरेंट पार्ट है। मैं बात कर रहा हूं एज अ लीडर और वो व्यक्ति जो आपको फॉलो करता है। अगर हम फॉर्मल मीटिंग करेंगे तो बताया था कि अगर ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, या ऐसे करते हैं, या ऐसे देते हैं, तो थोड़ा सा गलत हो जाता है, फाइन। लेकिन इफ समवन इज फॉलोइंग यू, तो वो आपको एक, आपसे एक पर्सनल टच आता है। आपको भीड़ में बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं आपको पूरे विश्वास का बताता हूँ कि जब आप ओपन ऑडियंस से मिलते हैं ना, हजारों की संख्या में लोग बैठे होते हैं, तो उनमें जो लोग आगे बैठे होते हैं ना, वो आपको, आपसे, आपको सिर्फ टच आते हैं आपका, और वो सिर्फ इतना भी, इतना अगर आपने ऐसे भी कर रखा है ना, आपके हाथ पे हाथ, आप देख लो मोदी जी हैं, सचिन तेंदुलकर है, वो चलते हैं, सबसे हाथ थोड़ी मिला पाते इतनी जल्दी जल्दी, तो क्या होता, हाथ टच करते हुए चले जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी ऑडियंस होती है, वो हाथ टच भी नहीं करते, वो हाथ तो उनके लिए इतना बहुत होता है, कहते हैं मेरे को देखा ना सर। अभी क्या, आप फिल्म स्टार्स को देखो, सलमान खान के घर के बाहर जाते हैं, क्यों खड़े होने, वो आके हाथ मिलाता है कि सलमान खान आया था, उसने मेरे को ऐसे किया था, यस और नो। तो वो उन लीडर्स को बड़े टॉप पोजीशन पर देखते हैं, और उनकी वो एक साथ बहुत सारे लोगों को नहीं देख पाते, लेकिन वो देखते ऐसे लगता है कि सब मुझे देख रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट एक बहुत बड़े मासेज के साथ रखते हैं। आप मोदी जी को कभी भी देख लो तो आपको लगेगा कि पूरी की पूरी ऑडियंस ही बात कर रहे हैं। तो ठीक उस तरह से ना वो पर्सनल टच रखते हैं, और पर्सनल टच का मतलब ये भी है कि जब आप हाथ मिला रहे हैं ना, तो हल्का सा उसको एक बॉम टच दें, आंखों से आंखें मिलाएं, प्यार से मुस्कुराएं, और ऐसा नहीं कि इग्नोरेंस, आपने यूं मुस्कुराया और चल दिया आगे, टेक 2 or 3 seconds, 2 to 3 seconds में पूरा काम हो जाता है, फाइन। और जहां मौका लगे ना, तो उनको ऐसे कर लो और पास कर लो और करीबी कर लो। तो ये तरीका है क्या कि ऐसा कैसे लगे कि वो व्यक्ति आपके लिए खास है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि जब आप इस बात को देखें तो ध्यान रखें कि आपको क्या बात ध्यान रखनी है। एक सफल लीडर के अंदर ये विशेषता होती है कि वो लोगों के की गरिमा का सम्मान करते हैं, उनको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा ट्रीटमेंट वो अपने लिए चाहते हैं। और कोशिश करें जब आप फॉर्मल मीटिंग में हो, कभी भी हर व्यक्ति के नाम के साथ जी लगाएं, फ्री होता है उसका, कोई कॉस्ट नहीं है। तो ठीक इस तरह से एज अ गुड लीडर यू हैव टू यूज दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज एंड वर्ड्स एंड इमोशंस।